यह कहानी है समंदर के एक ऐसे खौफनाक मंजर की जिसे नॉर्मल इंसान महसूस भी नहीं करना चाहता। समुंदर के बीच एक ऐसा मंजर जिसमें हर इंसान चींटियों की तरह बिखर गए, मगर इन्हीं के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा ही नहीं बल्कि जीवित बचकर वापस आए और सालों बाद उसकी कहानी लोगों को सुनाई। कहानी की शुरुआत होती है सन 1820 में, जहां पर एक शिप समुंदर में डूब गया था जिसमें सवार क्रू मेंबर को बचने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ ही लोग बच पाए थे। उन्हीं में से एक थॉमस नाम का शख्स भी है जो जीवित है। अब पूरे 30 साल बीत चुके थे यानी सन 1850, लेकिन थॉमस ने पिछले 30 साल पहले समुंदर में घटी इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उनकी इस कहानी को जानने के लिए हरमन नाम का एक राइटर पहुंचता है उनके पास ताकि उनकी कहानी जानकर उन पर एक किताब लिख सके, लेकिन थॉमस अब भी उस कहानी को उसे बताना नहीं चाहते। यह बात उसकी पत्नी को भी पता चल गई, लेकिन उसकी पत्नी को पैसे की जरूरत थी। राइटर उन्हें पैसे भी देने के लिए तैयार था, इसलिए थॉमस 30 साल पहले घटी घटना को बताने को तैयार हो जाते हैं। कहानी फिर से पीछे जाती है 30 साल पहले सन 1820 में, जहां पर थॉमस मछली पकड़ने का काम किया करता था। चारों तरफ बड़े बड़े जहाज थे, सारा नज़ारा बंदरगाह का था। उनका मुख्य काम था व्हेल मछलियों का शिकार करके उनके अंदर का ऑयल निकालना, जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इस तरह से व्हेल मछलियों के तेल का व्यापार होता था। उन्हीं में से एक कंपनी थी जो लोगों को समुंदर में भेजने का काम करती थी। सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जहाज भी उन्हीं के होते थे, बस उनके लिए लोग काम करते हैं। इस बार कंपनी का एक और शिप समुंदर में भेजने की तैयारी में है, जिस शिप का कैप्टन जॉर्ज नामक शख्स को बनाया गया है। जब यह बात ओवेन नामक शख्स को पता चली तो वह कंपनी के ओनर से नाराज हो गया, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगली बार ओवेन को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन उसे कैप्टन न बनाकर कैप्टन के बाद की पोजीशन दी गई। जॉर्ज को कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि जॉर्ज उन्हीं में से एक के मालिक का बेटा है। कंपनी का मालिक ओवेन को किसी तरह से मना लिया कि अगली बार तुम्हें कैप्टन जरूर बनाया जाएगा। अब जाने की पूरी तैयारी जोरों शोरों में थी। इसमें 14 साल का थॉमस नाम का लड़का भी है। थॉमस वही है जो 30 साल बाद यह कहानी राइटर को बता रहा है। वह तभी से अनाथ था। जहाज के सफर पर निकलते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जहाज के पर्दे जब नीचे गिराए जा रहे थे तो एक पर्दा ऊपर ही फंस गया, जिसे ओवेन बड़ी फुर्ती और चतुराई के साथ उस पर्दे को नीचे छुड़ा लिया। इस बात से हमें पता चल चुका है कि ओवेन अपने काम में कितना माहिर है, लेकिन जो कैप्टन है जॉर्ज, उसे इसका जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस बात से वह ओवेन से जलन भी रखता था, लेकिन लोगों को पता है कैप्टन के लायक जॉर्ज नहीं बल्कि ओवेन है। पहले दिन का सफर तय करने के बाद समुंदर के बीचों बीच पहुंच चुके थे सभी लोग। अगले दिन का मौसम कुछ खराब नजर आ रहा था, इसलिए ओवेन जहाज के सभी पर्दों को बंद करने के लिए कहते हैं। यह बात जॉर्ज को कुछ अच्छी नहीं लगी कि कैप्टन मैं हूँ हुक्म ये दे रहा है। इस तरह से वो अपना रोम जमाते हुए कहने लगा कि सारे पर्दों को खोल दिया जाए, हमें और स्पीड के साथ आगे बढ़ना होगा। जॉर्ज और ओवेन के बीच इस बात से थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हो गई। कैप्टन होने के नाते जॉर्ज की बात सबको सुननी पड़ी। अब जहाज फुल स्पीड के साथ तूफान की तरफ बढ़ने लगा। तूफान इतना बड़ा था जिसका अंदाजा भी नहीं है उन्हें। अब तूफान के बीच जहाज बुरी तरह से फंस चुका है। तूफान में जहाज का काफी नुकसान भी हुआ। तूफान के थमने के बाद कैप्टन वापस आने का फैसला करते हैं ताकि शिप को रिपेयर कर सकें, और इसका सारा इल्जाम ओवेन पर लगाता है कि वापस जाकर तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हारी वजह से शिप का भारी नुकसान हुआ है और लोगों की जान खतरे में पड़ी। इस बात से ओवेन जोर से झगड़ने लगा, कहने लगा कि शिप मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से तूफान में फंसा था, मैंने पर्दे गिराने से मना किए थे। इस पर कैप्टन और ओवेन के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी हो गई, लेकिन जॉर्ज अपने रईसी का रोब झाड़ने लगा। भूलो मत, तुम किसान के बेटे हो, मेरे पूरे खानदान ने इसी काम को किया है, मुझे मत सिखाओ। क्योंकि उस समय में शिप का कैप्टन होना अपने आप में एक अलग ही अहदे की बात होती थी, इसलिए ओवेन सब से काम लेता है। कैप्टन को समझाता है कि हम बिना ऑयल लिए वापस नहीं जा सकते, ऐसा आपके शान के खिलाफ होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ओवेन को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसलिए कैप्टन उसकी बात मान जाता है। अब ये शिप को लेकर समुंदर में आगे बढ़ते हैं। समुंदर में सफर करते करते 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने बाद समुंदर में उन्हें बहुत सारे व्हेल का झुंड दिखा, जिसका शिकार करने के लिए ये 3 नौकाओं की मदद से पानी में उतर गए, जहां पर कई व्हेल मछलियों का शिकार किए। फिर उन्हें शिप में लाया गया। व्हेल के अंदर से ऑयल बाहर निकाला जाने लगा। यह काम काफी समय तक चला, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारा तेल था, उसे भी थोड़े समय बाद निकाल दिया गया। इस व्हेल के शिकार के बाद उन्हें कई महीनों तक कोई भी व्हेल दिखाई नहीं पड़ा। समय बीतने के साथ अब पूरे 1 साल बीत चुके थे। सभी अपने घर से मीलों दूर थे। खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, लेकिन कैप्टन और ओवेन के बीच जैसा माहौल था, उन दोनों के बीच का दरार और भी बढ़ने लगा। खाने पीने की कमी होने पर एक टापू के पास शिप को रोकने का फैसला किया गया। टापू के कुछ ही दूरी पर जहाज को रोका और नाव की मदद से टापू पर पहुंचे, जहां पर अपने साथ लिए व्हेल ऑयल को बेचकर खाने पीने का बंदोबस्त किया गया।
उसी टापू पर उनकी मुलाकात एक कैप्टन से हुई जो उन्हीं की तरह वेल ऑयल का कारोबार करता था, जिसका एक हाथ दुर्घटना बस उसके शरीर से अलग हो चुका है। कैप्टन और ओवेन उसी से पूछते हैं कि हमें वेल कहाँ मिलेंगी, तो वह बताने लगा जब उसके पास उसका शिप था, यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर पश्चिम में उन्हें इतनी सारी वेल मछलियाँ मिली थी कि वे एक दिन में 10000 लीटर से भी ज्यादा ऑयल इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन इनके सफर का मकसद तो सिर्फ 5 से 6000 लीटर ऑयल इकट्ठा करना ही है। वे उन मछलियों को मारकर उनका ऑयल ले सकते थे अगर वहाँ पर वह वाइट व्हेल नहीं आई होती, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट यानी 160 मीटर के बराबर थी, जिसे वे समुद्र का शैतान मानते हैं। इसने उनके शिप को नष्ट कर दिया था जिसमें 6 लोग मारे गए। इसी दुर्घटना में उसका एक हाथ भी चला गया, लेकिन ये लोग उसकी बात पर ज्यादा यकीन नहीं करते और पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो सच में वहाँ पर व्हेल के झुंड थे, जिसे देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ इन्हें एक ही दिन में इतना ऑयल मिल सकता है जिसे लेकर वे घर वापस जा सकते थे। अब सबके सब छोटे व्हेल से मछलियों का शिकार करने के लिए समुंदर में उतर चुके थे। थोड़ी देर में उन्हें वहाँ पर विशालकाय व्हेल मछली दिखाई पड़ी। वो वही विशालकाय मछली है जिसके बारे में कैप्टन बता चुका है, जिसकी मदद से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। उस मछली की साइज इतनी थी कि वह एक ही पल में उनके नाव को पलट दिया। छोटे नाव पर हमला करने के बाद वह उनके बड़े नाव पर भी हमला करने लगा। हमला इतना घातक था जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, लेकिन ओवेन पीछे हटने वाला नहीं था। उस मछली का शिकार करना चाहता है। कई सारे भाले को एक साथ बात कर व्हेल मछली पर हमला किया। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। भाला व्हेल मछली के शरीर में धस चुका था। भाला एक रस्सी में बंधा हुआ था जो रस्सी शिप में बंधी हुई थी। व्हेल मछली समुन्दर की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगा। रस्सी जैसे ही खत्म हुई, रस्सी का आखिरी छोर शिप के जिस पोल से बंधा हुआ था वह पोल भी खिंचाव के कारण टूट गया। अब शिप पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी जो लगातार डूबने लगा। भाले पर बंधी रस्सी का दबाव जब बढ़ने लगा तो भाला भी व्हेल मछली के शरीर से निकल चुका था। अब सबको लगने लगा कि उनका शिप अब नहीं बचेगा, तो सभी लोग जान बचाने के लिए छोटे बोट की मदद से पानी में उतर गए। समय बीतने के साथ थोड़ी देर में उनका शिप पूरी तरह से पानी में समा चुका था। अब ये सभी छोटे छोटे बोट में सवार होकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। इनका आगे का सफर कहाँ खत्म होने वाला था इसका अंदाजा भी नहीं है। इसी बीच उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। समुन्दर में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें इनका एक साथी जख्मी हो चुका था। अब इन्हें समुन्दर में बहते हुए पूरे 34 दिन बीत चुके थे। खाने का सामान भी खत्म होने के कगार पर है। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई पड़ा जिसे देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। ये लोग तीनों नाव को लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। किनारे पर पहुंचे भी नहीं थे तभी दोबारा से वही व्हाइट व्हेल आकर उनके नाव पर हमला करने लगा। हमला इतना जोरदार था कि उनका बोट ही पलट गया। किस्मत अच्छी थी, सभी बहते हुए किनारे पर पहुंच गए। आइलैंड पर पहुंचकर सभी लोगों ने फैसला किया आइलैंड पर दिन रात आग जलाकर रखेंगे ताकि टापू के पास से कोई शिप गुजरे तो आग और धुआं देकर उनकी मदद के लिए आ सके। अगली सुबह ओवेन खाने की तलाश में भटक रहा था तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह सबको लेकर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारे कंकाल दिखाई पड़े, यानी उनसे पहले भी यहाँ लोग आ चुके हैं। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर मदद की उम्मीद से हैं, इसी तरह ये भी उम्मीद लगाए हुए थे कोई आएगा इनकी मदद करेगा, लेकिन मदद न मिलने पर इनकी मौत हो गई। इन्हें भी एहसास हो चुका है इस भाग में कोई भी शिप नहीं आता, तो सभी लोग उनकी जो टूटी हुई नाव थी उसे रिपेयर करके फिर से एक नाव तैयार करते हैं। अब यहाँ से सब के सब जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ साथी हैं जो यहाँ से जाने से मना कर रहे हैं, जिसमें से एक ओवेन का साथी भी था। ओवेन अपने साथी से वादा करते हैं कि मैं एक बार घर पहुँच गया तो मैं तुम सब के लिए मदद जरूर भेजूंगा। अब ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनका सफर इतना आसान होने वाला नहीं था। सफर के बीच में ही उनका एक साथी मर गया। इंसानियत के नाते उन्हें उसे पानी में बहा देना चाहिए था, लेकिन ओवेन अपने साथी को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे पता है कि उनका मरा हुआ साथी उन्हें जिंदा रख सकता है, क्योंकि वह उन सबका खाना था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना चाहकर भी उन्हें अपने ही साथी को खाना पड़ा। तो ये सब देखकर थामन जो 14 साल का था उसे देखा नहीं गया, वो पूरी तरह से खौफजदा था। लेकिन इनकी समस्या यहीं पर नहीं खत्म हुई थी। इन्हें अभी तक नहीं पता है कि इनका सफर कितना लंबा होने वाला है। समय बीतने के साथ उन्हें समुन्दर में 71 दिन बीत चुके थे। उनके पास कुछ न होने पर ये एक दूसरे को ही खाने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अपने साथ करने को तैयार नहीं था। इसलिए वे लोग एक गेम खेलते हैं और गेम में जो हारेगा उसको सब खाएंगे। इस खेल में जॉर्ज हार जाता है जो जहाज का कैप्टन था। खेल के मुताबिक जॉर्ज के कजन को जॉर्ज को गोली मारनी होगी, लेकिन जॉर्ज को मारने की बजाय वह खुद को ही मार दिया। यह कैप्टन वही है जिसे अपने खानदान और अपने कैप्टन होने पर गुरूर था। उसका सारा घमंड कुदरत ने आज तोड़ दिया। कई दिनों तक समुन्दर में बिताने के बाद वही मछली जिसने उनके जहाज को तबाह किया था वही फिर से सामने आती है। इस बार वह उन दोनों के नाव के बीचों बीच आ गया था। ओवेन उसे मारने के लिए भाला उठा लिया।
उसे मारने ही वाला था। तभी देखता है कि उसके शरीर पर भाले का निशान अब भी है जिस पर पिछली बार हमला किया था। कुछ पल के लिए ओवेन उसकी आंखों में देखता रहा लेकिन आखिर में उस पर हमला नहीं किया। मछली भी चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी से वह कभी भी पीछे मुड़कर दोबारा नहीं आई। कुछ दिनों तक और सफर तय करने के बाद धीरे धीरे उन दोनों का बोट कैप्टन और ओवेन दोनों अलग हो चुके थे। समय बीतने के बाद दूर से गुजर रहा एक सीप जांच की बोट को दूरबीन की मदद से देख लिया जिसे सही सलामत जहाज में ले लिया गया। इस तरह कैप्टन जॉर्ज बच चुके थे तो दूसरी तरफ ओवेन का बोट लगातार पानी में बही रहा था। वे पूरी तरह से हार मान चुके थे। उनके पास ना ही खाने का कुछ है ना पीने का। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें आसमान में पक्षी दिखाई पड़े। ये पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं। अचानक से सामने की तरफ देखें तो दिखाई पड़ा एक आइलैंड। आइलैंड को देखते ही ओवेन और 14 साल के थॉमस के अंदर एक उम्मीद सी जग उठी। ये अपनी बोट को उस तरफ ले जाना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उस आइलैंड के लोग उन्हें बचा लिए। समय था 11 जून सन 1821 को ये सही सलामत अपने घर वापस लौट आए थे। लेकिन जब उनके परिवार वाले उन्हें देखा तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि सभी लोग मान चुके थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ समय बाद वह कंपनी जॉर्ज और ओवेन को दोबारा अपने पास बुलाई जो इन दोनों को सफर पर भेजी थी। वे इंक्वायरी करना चाहते हैं क्योंकि इस सफर में उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे। कंपनी का ओनर जानना चाहता है आखिर उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन ओनर सच नहीं बल्कि एक झूठ कहानी सबके सामने रखना चाहता है ताकि कंपनी का रेपुटेशन इन्वेस्टर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच बनी रहे। लेकिन ओवेन सच बताना चाहता है। कंपनी के लोग उसे पैसों का लालच भी दिए लेकिन वो पैसों के लालच में नहीं आने वाला था। इस नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। इसलिए इंक्वायरी के लिए कैप्टन जॉर्ज को बैठाया गया लेकिन वह जिन परिस्थितियों से गुजरा है वह पहले से बहुत बदल चुका था। इसलिए इंक्वायरी में साफ साफ बता देता है उसके शिप को व्हाइट व्हेल ने डुबाया था। तो ये 30 साल पुरानी कहानी थॉमस राइटर को बताने के बाद आगे बताता है। कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर समुन्द्र में गए थे मगर इस बार उनका मकसद था व्हाइट व्हेल का शिकार करना लेकिन वह व्हेल उन्हें कहीं नहीं मिली। जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया लेकिन ओवेन अभी भी अपना वादा भूला नहीं था। जो अपने दोस्त से किया था उस टापू पर उसके लिए मदद भेजेगा। उसने अपना वादा भी पूरा किया। जब उस आइलैंड पर मदद के लिए पहुंचे तब तक ओवेन का दोस्त मर चुका था लेकिन 3 लोग थे जो अभी भी जिंदा थे जिनकी हालत बहुत ही खराब थी मगर उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। तभी से ओवेन अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया और एक व्यापारी बन गया। तब से वो अपने शिप को अपने मनमर्जी से चलाता है। थॉमस द्वारा इतनी कहानी सुनाने के बाद राइटर डिसीजन लेता है कि वह बिल्कुल सच्ची कहानी नहीं लिखेगा एक फिक्शनल स्टोरी लिखेगा। तो यह थी इन द हार्ट ऑफ द सी की कहानी। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।